Hello everyone, welcome to Being a Best Teacher YouTube channel. In this lecture we are going to understand about the topic modernization. देखिए बहुत easy topic है, one of the most easiest topic of this particular subject. Modernization, देखिए आप जब old time से आज के time को compare करोगे तो आप हमेशा ये पाओगे कि ज़माना जो है वो modern हुआ है और इसी को बोलते हैं modernization, right? बिल्कुल simple words में. इंडियन सोसाइटी की अगर हम बात करें तो देखिए बहुत ओल्ड सोसाइटी है. इंडिया का अस्तित्व देखिए कितने साल पुराना है. ठीक है, आप चीज़ें उठाएंगे तो ब्रिटिश पीरियड रहा, उससे पहले मुगलों का टाइम था, उससे पहले इंडियन हिंदू राजा महाराजा हुआ करते थे, उससे पहले भी लाइक आपने महाभारत रामायण सुनी होगी तो वो एंशियंट टाइम था, राइट? सो इस तरीके से इंडियन सोसाइटी बहुत टाइम से सर्वाइव कर रही है और अप्स एंड डाउन्स हमारी सोसाइटी ने, हमारी इंडिया ने बहुत देखे हैं. ठीक है, और बहुत सारे सोशल इश्यूज़ हैं. अब देखिए ये जो सोशल इश्यूज़ हैं जो आज के टाइम में भी इवन हैं और बहुत सदियों से चलते आ रहे हैं, ठीक है, तो इन सब के बावजूद हमारी सोसाइटी जो है वो धीरे धीरे देखिए न्यू आइडियोलॉजीज़ को अपना रही है. चेंजेस इसमें आ रहे हैं, ज़्यादा चेंजेस इसमें आ रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन की वजह से. ठीक है, तो ये डेवलपमेंट जो हो रहा है, ये चीज़ें जो चेंज हो रही हैं स्लोली रैपिडली, कहीं पे देखिए किसी क्षेत्र में रैपिडली है तो किसी में स्लोली हो रहा है, और न्यू आइडियोलॉजीज़ रिप्लेस कर रही हैं ओल्ड जो लाइक जिनको फॉलो नहीं किया जाना चाहिए था. जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल सती प्रथा, उसका कोई भी लाइक फ़ायदा नहीं है. ठीक है, कुछ भी उसमें एक अच्छाई नहीं है बेसिकली, राइट? तो उसको रिप्लेस किया न्यू आइडियोलॉजीज़ में, रीमैरिज का कॉन्सेप्ट आया. ठीक है, तो ये सब क्या है? ये ही है मॉडर्नाइजेशन, राइट? कमिंग टू द मीनिंग, देखिए मीनिंग में अभी हमने इंट्रोडक्शन की बात करी, अब मीनिंग की बात करें तो मॉडर्नाइजेशन हमेशा एडवांसमेंट को सिंबलाइज करता है, साथ में बेटरमेंट होना एक सोसाइटी का, और एक सोसाइटी आगे मूव फॉरवर्ड करे एक पॉजिटिव सेंस में, यानी कि तरक्की की तरफ. यहाँ पे डिमोशन की बात नहीं हो रही है, प्रमोशन की बात हो रही है एक सोसाइटी के. ये कोई फिलॉसफी नहीं है कमिंग टू मॉडर्नाइजेशन, ये एक चेंज है, एक मूवमेंट है जो चेंज को दर्शाता है कि भाई पहले के मुकाबले इतने चेंजेस आए हैं. ठीक है, जो गलत चीज़ें थी वो हट के उनको इन चीज़ों ने रिप्लेस कर दिया है, राइट? जैसे कि आज के टाइम में आप देखते हो सती प्रथा आपको देखने को नहीं मिलेगी, राइट? रीमैरिज का कॉन्सेप्ट आ चुका है. आज के टाइम में देखिए फास्टिंग जो है वो ऐसा नहीं है कि सभी को रखना होता है. आप एक सिंपल सा हिंदू फेस्टिवल है करवा चौथ, उसमें भी आप देखोगे इट्स नॉट कंपल्सरी, इफ़ द वुमेन वॉन्ट्स टू कीप इट्स हर चॉइस, राइट? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट? ऐसा नहीं है कि आप हिंदू फैमिली से हो तो आपको पूजा ही करनी है, राइट? या आप मुस्लिम से हो तो आपको डीपली अपने रिलीजन में जाना है, राइट? तो आइडियोलॉजीज़ के साथ चेंज हो रहा है. आज के टाइम में लोग जब काम करते हैं तो वो पूजा नहीं कर पाते हैं, वो नमाज नहीं पढ़ पाते हैं, वो रेगुलर बेसिस पे चर्च विजिट नहीं कर पाते हैं. कमिंग टू दिस, ये रिलीजियस चेंजेस आए हैं, खुद लोगों के दिमाग में भी चेंजेस आए हैं, राइट? बहुत सारी आइडियोलॉजीज चेंज हुई है. जैसे कि पहले के टाइम में लड़कियों का पढ़ना लिखना बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता था, राइट? बाल विवाह कर देते थे, तो उस आइडियोलॉजी में चेंज आया है. अब टेक्नोलॉजी की बात करें तो देखिए पहले मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे, टेलीफोन भी नहीं होते थे, फिर ज़माना चेंज हुआ. पहले लाइन वाले जो आपके प्रॉपर फ़ोन होते हैं जिसमें तार लगा होता था वो आए, फिर मोबाइल आए प्रॉपरली एक एंटीना वाले, उसके बाद आज के टाइम में स्मार्टफोन है, आईफोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, इतना टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ है, तो ये भी तो मॉडर्नाइजेशन है, राइट? हर चीज़ में देखिए आप देखोगे तो इवेंचुअली मॉडर्नाइजेशन है, चाहे हम हमारे वैल्यूज़ मॉरल्स हमारे प्रिंसिपल्स हमारे बिहेवियर एटीट्यूड पर्सनैलिटी की बात करें तो उसके अंदर भी क्या है, उसके अंदर भी मॉडर्नाइजेशन है. तो हर चीज़ में आज के टाइम में क्या हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, लोगों की आइडियोलॉजीज चेंज हो रही हैं. सो बेसिकली क्या यहाँ पे सिंबलाइज हो रहा है कि एक प्रोसेस ऑफ चेंज है, राइट? एंड दैट इज़ मॉडर्नाइजेशन ओनली. हम हर तरह का खाना खा रहे हैं, हम हर तरह के कपड़े पहन रहे हैं, राइट? तो ये भी किस लिए हो पाया, क्योंकि देखिए ये है मॉडर्नाइजेशन, बट इसके पीछे कारण है बहुत सारे, दैट इज़
अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन मेन. सो बेसिकली उनकी वजह से जो है ये चीज़ें पॉसिबल हुई हैं और इसी को मॉडर्नाइजेशन बोला गया है, राइट? सो दिस इज़ द थिंग. सो मॉडर्नाइजेशन को अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमिक, सोशल, हर तरह से चेंजेस जो है एक पर्सन में आना, एक सोसाइटी में आना, उस सोसाइटी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विकास होना, डेवलपमेंट होना, टेक्नोलॉजी इन्वेंशंस होना, साइंटिफिक इनोवेशंस होना, ये सब एज अ होल एक सोसाइटी को मॉडर्नाइज बनाता है. जब आप ट्रेडिशनल वंस को जो है, जो ट्रेडिशनल में जिनको रिप्लेस करने की ज़रूरत है उसको रिप्लेस कर दिया, राइट? ऐसा नहीं है कि ट्रेडिशनल को बिल्कुल छोड़ देना है, उसके साथ भी रहना है. आप देखेंगे हमारी संस्कृति में, इंडियन सोसाइटी में योगा को बहुत अच्छा माना जाता है. तो ऐसा नहीं है मॉडर्नाइजेशन में आप सिर्फ जिम जाने लग जाओगे, जुम्बा करने लग जाओगे, आप योगा को भी अपना रहे हो, राइट? सो दैट इज़ आपने एक्सरसाइज कर रहे हो, मे बी उसमें आप योगा आपने पढ़ा हो कि भाई डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए फॉर 30 मिनट्स. तो आप योगा को एज एक्सरसाइज, आप रोज़ 30 मिनट वो फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो. तो जो अच्छा है उसको तो लेके चलना है, ऐसा नहीं है बिल्कुल छोड़ देना है. बट येस, जिसको रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, सती प्रथा, बाल विवाह, इन सब को चेंज किया जाए, राइट? एडवांसमेंट हो, तरक्की हो, प्रमोशन हो, डिमोशन नहीं, राइट? अब देखते हैं कुछ डेफिनेशंस मॉडर्नाइजेशन की. तो देखिए, फर्स्ट डेफिनेशन डैनियल लेनर के द्वारा यहाँ पे दी गई है. मॉडर्नाइजेशन इज़ द करेंट टर्म फॉर एन ओल्ड प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज वेयर बाय लेस डेवलप्ड सोसाइटीज एक्वायर द करेक्टरिस्टिक्स कॉमन टू द डेवलप्ड सोसाइटीज़. कि आप जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जैसे कि बेसिकली हम जो मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स यूज़ करते हैं, तो जनरली आप देखो कि वो बने बाहर हैं, राइट? डेवलप्ड सोसाइटीज़ में बने हुए हैं, तो वहाँ की वो चीज़ें हमने एक्वायर कर ली, राइट? ऐसे ही सोशल चेंजेस जब हम एक्वायर कर रहे थे, जैसे कि रीमैरिज का कॉन्सेप्ट जो है, आफ्टर द जब किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो रीमैरिज का कॉन्सेप्ट इंडिया में नहीं था, वो भी बाहर की कंट्रीज़ में, डेवलप्ड सोसाइटीज़ में था, तो उसको अडॉप्ट किया गया. तो इस तरीके के जब सोशल चेंजेस आते हैं, सो वेरी नाइस डेफिनेशन गिवन बाय मिस्टर डैनियल. नेक्स्ट इज़ मॉडर्नाइजेशन इज़ द एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न साइंस टू ह्यूमन अफेयर्स. डेफिनेटली ये रोटो एंड वॉड के द्वारा डेफिनेशन दी गई है. देखिए डेफिनेशंस यहाँ पे मैं आपको 4-5 दिखाऊंगी, आपको जो अच्छी लगे आप एक डेफिनेशन चूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दो. अगर आपको डेफिनेशंस लर्न करने में प्रॉब्लम होती है एज इट इज़, तो आप स्किप भी कर सकते हैं. नेक्स्ट डेफिनेशन इज़ गिवन बाय अलाटास. द डेफिनेशन इज़ मॉडर्नाइजेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन द सोसाइटी with the ultimate purpose of achieving a better and more satisfactory life in the broadest sense of the term as accepted by the society concerned. कि आप साइंस, साइंटिफिक नॉलेज, इनोवेशंस, टेक्नोलॉजी, इन सब का यूसेज कर रहे हो आप आज की ज़िंदगी में, राइट? ताकि आपकी लाइफ और अच्छी बन सके, राइट? और सेटिस्फैक्ट्री लाइफ आपकी हो सके. जैसे कि आज के टाइम में आप देखोगे तो हम साइंटिफिक या मशीनरी से बेसिकली जो है घिरे हुए हैं, राइट? जैसे कि मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स, टेलीविज़न, रेडियो, गाड़ी, मिक्सर ग्राइंडर, रेफ्रिजरेटर, सबके पास है, तो हम इन चीज़ों से घिर गए हैं, राइट? एक फ़ैन ले लीजिए, राइट? तो ये क्या किया है हमने, साइंटिफिक नॉलेज का ही तो एप्लीकेशन किया है, ये भी बिल्कुल मॉडर्नाइजेशन है, राइट? सो दिस डेफिनेशन इज़ वेरी सुटेबल इट अकॉर्डिंग टू अलाटास. एंड बिल्कुल देखिए जो डेफिनेशन दी गई है, दिस इज़ अ ग्रेट डेफिनेशन, राइट? कि येस, इसमें साइंटिफिक नॉलेज का एप्लीकेशन है आज की लाइफ को बेटरमेंट बनाने के लिए, ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री लाइफ के लिए, राइट? इसके अलावा देखिए, जब हम बीमार पड़ जाते हैं तब भी क्या होता है, आज के टाइम में आप देखो कि डॉक्टर को जाते हो तो डॉक्टर आपको दवाइयाँ लिख देता है, एंड वो जो दवाइयाँ हैं वो सारी बेसिकली हम उसको इंग्लिश दवाइयाँ बोल देते हैं, ठीक है? तो उसमें क्या है, वो दवाइयाँ लेके आप तुरंत ठीक हो जाते हो, 1 से 2 दिन या 3 से 4 दिन, ठीक है? जबकि आप आयुर्वेद की तरफ जाओगे तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, होम्योपैथी की तरफ जाओगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, राइट?
तो ऐसे हम साइंटिफिक नॉलेज पे डिपेंड हो गए हैं और यही मॉडर्नाइजेशन है, राइट? वेरी गुड डेफिनेशन गिवन बाय अलाटास. नेक्स्ट इज मॉडर्नाइजेशन इम्प्लाइज अ रेवोल्यूशनरी चेंज लीडिंग टू अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी इनटू अ एडवांस इकोनॉमिकली प्रॉस्परस एंड रिलेटिवली पॉलिटिकली स्टेबल सोसाइटी. इफ़ यू वॉन्ट तो आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, बट ऊपर वाली जो तीन है वो ज़्यादा अच्छी हैं, वो भी आप अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू द कॉजेज ऑफ मॉडर्नाइजेशन, मायरॉन विनर के द्वारा यहाँ पे देखिए कुछ कॉजेज गिवन हैं फॉर द मॉडर्नाइजेशन. फर्स्ट इज एजुकेशन, सेकेंड इज मॉडर्न कम्युनिकेशन, थर्ड इज आइडियोलॉजी बेस्ड ऑन नेशनलिज्म, नेक्स्ट इज करिस्मेटिक लीडरशिप एंड नेक्स्ट इज बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज. सो एजुकेशन की अगर हम बात करें तो देखिए हायर एजुकेशन या बेसिकली देखिए जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाया जाता है, जब एक बंदा जब एजुकेशन लेता है, राइट, तो वो मॉडर्नाइजेशन अपने आप हो जाता है, राइट. पहले के टाइम में आप देखोगे तो लोगों को अपने अधिकार ही नहीं पता होते थे, स्पेशल कमिंग टू वुमेन, राइट. तब भी कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट आज़ादी के बाद बन गया था, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें वुमेन के लिए थी, ठीक है, बहुत सारे राइट्स थे, बट लोगों को लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन थी, राइट. तो नारी जो है अपने लिए खड़ी ही नहीं हो पाती थी. बट आज की नारी को सशक्त क्यों बोला जाता है? क्योंकि मॉडर्नाइजेशन हुआ है, उसने एजुकेशन ली है, उसको पता है अब आज उसके हक क्या हैं, राइट. अवेयर वो हो गई है ड्यू टू एजुकेशन. ऐसे ही एजुकेशन से साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो लाइक आप देखोगे साइंस सब्जेक्ट सबको पढ़ाया जाता है, राइट. तो इन सब चीज़ों से क्या हुआ है? मॉडर्न हुआ है ज़माना. लोगों ने अब स्पिरिचुअलिटी को छोड़ के या जो चीज़ें अंधविश्वास था उसको छोड़ के साइंटिफिक रीजंस उनके समझने शुरू करे हैं, राइट. सो इस तरीके से मॉडर्नाइजेशन हुआ है. नेक्स्ट इज मास कम्युनिकेशन. देखिए इसका तो बहुत बड़ा रोल है. जैसे कि आप देखोगे, एक और एग्जांपल ऊपर वाला ही थोड़ा कंटिन्यू करते हैं, कि जो नारी पढ़ भी नहीं पाई, राइट, मे बी वो स्कूल भी ना गई हो, ठीक है, उसको अपने राइट्स ना पता हो, लेकिन आज के टाइम में न्यूज़पेपर, टेलीफोन, रेडियो, टीवी, मैगजीन, कुछ ना कुछ में से तो एक ह्यूमन बीइंग टच में रहता ही है. तो उसके कारण जो है आज की नारी को पता है कि उसके अधिकार क्या हैं, राइट. जैसे उसने न्यूज़पेपर पे खबर देखी कि डोमेस्टिक वायलेंस करना गलत है और इसके खिलाफ जो है ये चीज़ हुई अगर किसी ने किया, तो अब उसको पता चल गया कि मेरे साथ ऐसा कोई नहीं कर सकता, करता है तो मैं इसके लिए आवाज़ उठा सकती हूँ, भाई मेरे पास अधिकार है, राइट. सो इस तरीके से मॉडर्नाइजेशन हुआ. कमिंग टू मूवीज एट्सेट्रा, इन सब से जो है हमारा एटीट्यूड चेंज, हमें न्यू इन्फॉर्मेशन, नए आइडियाज़, सो ये सब चीज़ें पता चलती हैं, राइट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, आइडियोलॉजी बेस्ड ऑन नेशनलिज्म. देखिए मतलब जो आपके नेशन वाइड एक नेशनलिज्म है, दैट इज़ ब्रदरहुड है, आप सब में एक भावना है दैट येस ऑल इंडियंस आर ब्रदर एंड सिस्टर एंड वी ऑल आर वन, ठीक है, तो उसकी वजह से भी मॉडर्नाइजेशन होता है, राइट. स्पेशली इसका डेमोक्रेसी का इसमें बहुत बड़ा अधिकार, मतलब राइट होता है. जैसे कि आज के टाइम में अगर आप कोई बाहर का न्यूज़ चैनल देखना चाहते हैं, लेट सपोज मैं US का कोई न्यूज़ चैनल देखती हूँ, कनाडा का कोई न्यूज़ चैनल देखती हूँ, तो मेरी राइट्स हैं, वो मुझे कोई मना नहीं कर सकता उसके लिए. आप ऐसे नॉर्थ कोरिया में देखोगे तो नॉर्थ कोरिया में दिस इज़ नॉट अलाउड एक्चुअली, वहाँ तानाशाही है, राइट. वहाँ हंसने पे भी पाबंदी है, वहाँ अपनी मर्जी से कपड़े पहनने पे भी पाबंदी है, जॉब करने पे, गाड़ी खरीदने पे, लग्जूरियस लाइफ जीने पे, बहुत चीज़ों पे पाबंदियाँ हैं, राइट. तो डेमोक्रेसी का और नेशनलिज्म का इसमें बड़ा हाथ है कि एक इंडिविजुअल को मॉडर्नाइज वो करता है. आप नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल लोगे तो वहाँ पे ये चीज़ें अलाउड नहीं है, तो वो उस कंट्री के लोग उतने मॉडर्नाइज नहीं हो पा रहे हैं, राइट. इसमें देखिए पॉलिटिकल बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट. जैसे कि वहाँ पे तानाशाही है तो नहीं है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है तो है, राइट. मॉडर्नाइजेशन, राइट. कमिंग टू करिस्मेटिक रिलेशनशिप, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए द लीडर्स, राइट, पॉलिटिकली आप देखें या आप जहाँ काम करते हैं या आपकी फैमिली में जो है लीडर, सो वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, क्या वैल्यूज़ हैं, क्या प्रैक्टिसेस हैं, क्या बिलीफ हैं,
उस पे भी बहुत जो है असर पड़ता है। जैसे कि एक आप ले सकते हैं, आज के टाइम में क्या हो रहा है, पहले के टाइम से अगर आप कंपेयर करेंगे तो उतनी अलाउंस जो घर का लीडर होता था वो नहीं, जो कि पुरुष वाद देखिए पैट्रियार्की सोसाइटी हमारी रही है, ठीक है, तो नहीं करते थे उतना अलाउ लड़कियों को पढ़ना या बाहर जाना, ठीक है, बट आज के टाइम में वो चीज़ की जा रही है। तो ये क्या है, अनदर एग्जांपल ऑफ अनदर एग्जांपल ऑफ लाइक मॉडर्नाइजेशन, राइट। ऐसे ही आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में देखोगे, वहाँ की लीडरशिप से लाइक जब लीडर्स आपको बताते हैं दैट दिस इज़ द गुड थिंग इन यू एंड ये चीज़ आपको आगे लेकर जाएगी, आप ऐसे करो, ये आपके हक हैं, तो इससे मॉडर्नाइजेशन होता है। पॉलिटिकली तो देखिए, अगर आपके पास एक अच्छा नेता है, ठीक है, जो आपका मार्गदर्शन कर रहा है, स्पेशली प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर जो हैं, इनका रोल वो कैसे जो है लोगों को ट्रीट कर रहे हैं, कितना लोगों के लिए एडवांसमेंट अपनी कंट्री में लेकर आ रहे हैं, तो उस पे डिपेंड करता है, राइट। सो दिस इज़ द थिंग। नेक्स्ट इज़ बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। डेफिनेटली देखिए, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ का इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। द मेजर्स, द थिंग विच दे अडॉप्ट फॉर द फ्यूचर ऑफ देयर कंट्री या फ्यूचर ऑफ देयर स्टेट, तो उस पर बहुत डिपेंड करता है, राइट। जैसे कि दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में अपने जो उनका 5-7 साल का काम रहा, उसमें गवर्नमेंट स्कूल्स में टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, तो उससे क्या हुआ, आज के टाइम में गवर्नमेंट स्कूल के जो दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं वो कम्पीट कर सकते हैं प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स को, इतना अच्छा उन्होंने यहाँ पे रोल प्ले किया इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, राइट। बाकी फील्ड्स की हम बात नहीं करेंगे, बट येस, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, जो इससे पहले जो दिल्ली की गवर्नमेंट्स रही हैं वो नहीं कर पाई, राइट। सो ये क्या हुआ, इससे मॉडर्नाइजेशन हुआ उन स्कूलों का, राइट। तो ऐसे ही गवर्नमेंट अथॉरिटी के तो हाथ में होता है देखिए कम्प्लीटली कि उस नेशन का डेवलपमेंट कितना करना है, कितना नहीं, कितनी गति से करना है, कितनी तेज़ी से करना है, कितना नहीं। कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं जैसे कि अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, यूनिवर्सली लीगल सिस्टम एंड सो ऑन, काफ़ी सारे अदर फैक्टर्स और भी हैं जो यहाँ पे कॉज करते हैं मॉडर्नाइजेशन को। नाउ कमिंग टू द इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन, देखिए ऑक्यूपेशन बिकम मोर स्किल्ड एंड स्पेशलाइज्ड। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ पीपल एंगेज्ड इन प्राइमरी ऑक्यूपेशन रिड्यूसेस व्हाइल दैट ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर इंक्रीजेस। नेक्स्ट इज बार्टर सिस्टम रिप्लेस्ड बाय मनी सिस्टम, कमिंग टू ज्योग्राफिकल डिस्टेंस रिड्यूसेस, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन आ जाता है, एडवांस हो रहा है तो। नेक्स्ट हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशन फैसिलिटीज़ इम्प्रूव हो जाती हैं एंड न्यू इंस्टीट्यूशंस इंट्रोड्यूस होते हैं, बैंक्स, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट्स एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज़ इंट्रोडक्शन यहाँ पे वैल्यू सिस्टम्स का होता है, जैसे कि डेमोक्रेसी में है इक्वालिटी, जस्टिस, इंडिविजुअलिज्म, सेक्युलरिज्म। नेक्स्ट इज साइंटिफिक इनोवेशंस होती हैं मॉडर्नाइजेशन से, राइट। सो ऑन, ऐसे ही देखिए यहाँ पे 10 पॉइंट्स हैं, जो भी आपको अच्छे लगे आप लिख सकते हैं। ओवरऑल हमने पूरा टॉपिक समझ लिया है, सो यहाँ पे अब कोई दिक्कत नहीं आएगी व्हेन यू आर राइटिंग एनी हेडिंग फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सो वेरी इजी टॉपिक, जस्ट यू हैव टू पिक अप द गुड वर्ड्स एंड राइट। मैं उम्मीद करती हूँ टॉपिक आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो टॉपिक से तो कमेंट सेक्शन में लिखकर डेफिनेटली बताएं। थैंक यू।